बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शबाना और आज मैं बनाने जा रही हूं अपनी किचन में ईद स्पेशल मुतंजन राइस। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस के ऊपर 2 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और ये मैंने 2 कप गोल्डन सिला राइस को 2 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। अब इसका पानी निकाल कर उबलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे और इसे 100% तक कुक करेंगे। तो देखें, चावल हमारा कुक हो चुका है। इसे जांचने के लिए एक चावल का दाना लेंगे और इसे दबा कर देखेंगे तो ये आसानी से दब रहा है, यानी ये 100% तक कुक हो चुका है। अब इसे एक स्टेनर में डालकर छान लेंगे। और अब गैस के ऊपर एक पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे और फिर इसके अंदर 2.5 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। और फिर इसके अंदर 4 छोटी इलायची और 4 लौंग डाल देंगे और अब इसके अंदर शुगर डाल देंगे। इसे चारों तरफ अच्छे से फैलाकर डालेंगे। ये 350 ग्राम है और चावल हमारा 500 ग्राम है। आप चाहें तो दोनों की मात्रा बराबर ले सकते हैं। तो अब शुगर के ऊपर से गरम गरम चावल फैला देंगे और अब इसे हल्के हाथों से मिला देंगे। इसे कवर करेंगे और फिर इसे लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। तो देखें, इसे पकते हुए 7 मिनट हो चुका है और इसका पानी ड्राई हो गया है। तो इस टाइम पर इसके अंदर रेड फूड कलर डाल देंगे। हमने 2 तरह के कलर को घोल कर रखा हुआ है, आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं। और फिर इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। नारियल को मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, काजू, थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता और कटा हुआ बादाम डालेंगे, थोड़ा सा मावा डाल देंगे। और अब टूटी फ्रूटी और ककरौंदा वगैरह डालकर इसे अच्छे से फैला देंगे। फिर सिल्वर फॉइल से इसे कवर करेंगे या आप इसे कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और ये 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब इसे खोलकर डिश आउट करेंगे। तो देखें, माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इस ईद पे आप भी बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।